हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कई सारे कुकिंग से रिलेटेड और किचन से रिलेटेड टिप्स लेकर आई हूँ। सारे ही टिप्स बहुत ही कमाल के हैं और यूज़फुल हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आज का पहला टिप्स है पोहा को लेकर। कई लोग जब पोहा बनाते हैं तो पोहा उनका या तो चिपका चिपका सा बनता है और टूट भी जाते हैं। उसका कारण होता है कि जब इस तरह से थाली में जब हम पोहा को साफ़ करने के लिए लेते हैं तो उसी में धो लेते हैं और धो के इस तरह से पसा लेते हैं, पर जब हम पसाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, जिस वजह से पोहा अच्छे से फूल जाती है और जब हम बनाते हैं तो वो टूट जाती है। तो कभी भी ऐसे पोहा को ना धोएं। पोहा को धोने के लिए स्टील का छन्ना यूज़ करें या फिर इस तरह की जो डलिया आती है, ये भी छन्ना ही है, तो इसका यूज़ करें। प्लास्टिक की भी आती है, 40-50 रुपए में मार्केट में मिल जाती है, तो आप उसी को मंगा के और यूज़ करें। इसमें दो फायदे हैं, एक तो पोहा को आप छान भी सकते हैं, जैसे इसमें भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पोहा के, वो रह जाता है, जिस वजह से पोहा हमारी खिली खिली नहीं बनती है। और इसमें धोने में भी बहुत अच्छे से होता है कि जब हम थाली में धोते हैं तो पानी थोड़ी बहुत रह जाती है और साफ़ से धुलती भी नहीं है, और इसमें सारे पानी ड्रेन हो जाते हैं, तो बहुत अच्छे से आप धो भी सकते हैं पोहा को और एक एक बूंद पानी निकल भी जाती है, क्योंकि इसमें स्टैंड लगा हुआ रहता है और जाली है, तो इस वजह से। तो आप चाहे तो स्टील का या फिर प्लास्टिक का इस तरह का डलिया मंगा के रख लें, बहुत ही काम के होते हैं। और थोड़ी देर के लिए आप पोहा को फैला के रख दें, जैसे कि हवा लग जाए, ये अच्छे से सूख जाए, फिर पोहा बनाएंगे तो एकदम खिली खिली बनेगी। तो मैं अभी बना के आपको दिखा रही हूँ, मैं बेटे के लिए बना रही थी तो सिंपल सा पोहा बना रही हूँ, और देख सकते हैं एकदम खिली खिली पोहा बनी है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है और ना ही इसमें टूटा हुआ है। जैसे होता है ना, हम ज़्यादा पानी से धो देते हैं, पानी रह जाती है, तो फिर पोहा एकदम टूट जाते हैं। तो जब भी पोहा बनाएं इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें, और आपको कैसा लगा ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज का दूसरा टिप्स देख लेते हैं। साबुन हम सभी यूज़ करते हैं, पर जब साबुन छोटा हो जाता है तो उसे यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही पड़ा रहता है, फेंक देते हैं, क्योंकि छोटे टुकड़े हाथ में आते नहीं हैं। जबकि आप ऐसे छोटे छोटे टुकड़े को इकट्ठा करेंगे तो देखेंगे ये एक साबुन जितना हो जाती है, और एक साबुन की क्या कीमत होती है सभी को पता है। तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए, हमें हर चीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। पर इसको हम बॉडी में तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हाथ में नहीं आती है, बार बार स्लिप करती है, तो इसको यूज़ कैसे करेंगे? तो आप ले लीजिए कोई पुराना सा सॉक्स, जैसे बच्चों के होते हैं या बड़ों के भी हैं, एक पैर का गुम हो गया है या फिर फटा पुराना है, आप ले लीजिए और सारे सोप को उसी में रख दीजिए, और रख के और आपको गांठ लगा देना है। आप चाहे तो इसको फ्लश में भी रख सकते हैं, गांठ लगा के और एक कोने में फ्लश में आप टांग दें। टांगने के बाद क्या होगा कि जो पानी में ये रहेगा साबुन, तो जितनी बार आप फ्लश करेंगे साबुन थोड़ा थोड़ा करके इससे फ्लश होगा, तो लैट्रिन में बाथरूम में एक अच्छी सी खुशबू भी रहेगी और आपका टॉयलेट साफ भी रहेगा। चाहे तो आप इसको क्लीनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम खाना बनाते हैं गैस स्टोव के पीछे जैसे सब्जी के छींटे पड़ जाते हैं, तो उसे भी आप क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि सॉक्स का फैब्रिक ऐसा होता है, रफ़ होता है, जो क्लीनिंग में बहुत ही अच्छा काम करता है। या फिर वाश बेसिन ही आप क्लीन कर लीजिए, वाश बेसिन को किसी रफ़ चीज़ से क्लीन करते हैं तो इसमें स्क्रैच आ जाते हैं, तो सॉक्स से जब आप क्लीन करेंगे तो ये बहुत बढ़िया से क्लीन भी हो जाएगी और साबुन भी यूज़ में आ जाएगा। तो इस तरह से साफ़ कर लीजिए और उसके बाद फिर सॉक्स को धो के और कहीं पर एक जगह हैंग कर दीजिए, जिससे कि जो एक्स्ट्रा वाटर है इसमें वो निकल जाएगी, और फिर आप छोटे छोटे टुकड़े का भी कितने अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये ट्रिक है, इससे आप अपने पैसे को बर्बाद होने से भी बचा सकते हैं, क्योंकि एक साबुन बहुत महंगा आता है और हम छोटे छोटे टुकड़े को हम फेंक देंगे ऐसे ही, तो ये क्लीनिंग में बहुत अच्छा काम आता है। और मैं अभी अच्छे से साफ़ करके फिर दिखाती हूँ आपको कि ये कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। आप चाहे तो किचन सिंक के आसपास जो लगी रहती है टाइल्स, उस पर भी गंदगी होती है, तो उसको भी आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो वाश बेसिन को मैंने क्लीन कर दिया है और अब इसे यहाँ पर रखती हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, और अब कहीं पर भी आप इसको रख दीजिए। तो इस तरह से आप छोटे छोटे टुकड़े के साबुन को भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी, पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चावल तो हम सभी खाते ही हैं, कई घरों में डेली चावल बनती है, तो चावल बनाते समय कई बार होता है कि हमारे ध्यान से निकल जाती है और चावल लग जाती है, कई बार गैस मीडियम या लो कर देते हैं और किसी काम में लग जाते हैं, फिर ध्यान नहीं रहता है और चावल नीचे से लग जाती है। अब हल्का सा भी चावल लग गया तो पूरे चावल में जलने का टेस्ट आ जाती है, फिर कोई खाना नहीं चाहता है, और चावल बहुत महंगे आते हैं, इसे फेंकना सही नहीं है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि चावल से जलने की स्मेल दूर हो जाए, जो
नीचे तले में जला हुआ है वो तो ठीक है कि वो हम नहीं यूज़ करेंगे, नहीं खाएंगे, पर ऊपर से जो चावल है वो हम कैसे खाएं, क्योंकि जलने की पूरी में स्मेल आ जाती है पूरे चावल में। तो उसके लिए आप क्या करें, आप एक प्याज ले लें और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह से चावल में रख दें, जो बना हुआ चावल है उसके बीच में रख के और कुकर का लीड लगा के 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर लीड हटा के और जो प्याज आपने डाला है उसे निकाल लीजिए। आप उसके बाद चावल खाएंगे तो देखेंगे चावल के जलने की टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगी। जो तले में जला हुआ है वो तो रहेगा ही, लेकिन पूरे चावल में जलने की टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो कभी भी अगर ऐसा होता है, बाय मिस्टेक हो जाती है कभी, हम लेडीज़ के पास बहुत सारे काम होते हैं तो कभी ध्यान से निकल जाता है, तो कभी भी ऐसा हो तो इस टिप्स को ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया टिप्स है। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं अपने चैनल पर ऐसे ही यूज़फुल टिप्स लाते रहती हूँ। अगला टिप्स है किचन सिंक को लेकर। किचन सिंक में हम बर्तन धोते हैं, बर्तन धोते समय ये होता है कि जैसे तेल या घी हमने यूज़ किया है तो वो इसमें आ जाती है, इसमें लग जाती है और उसकी चिपचिपाहट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमें बहुत अच्छे से क्लीन करना होता है, जैसे डिटर्जेंट डालें या फिर साबुन से इसको अच्छे से क्लीन करें। तो उसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया तरीका आपको बताती हूँ जो बहुत ही आसान है। आप ले लें थोड़ा सा आटा, जो आप आटा गेहूँ का आटा यूज़ करते हैं ना वही, तो बर्तन में कई बार होता है ना रह जाती है बर्तन, तो वो हम खाने में यूज़ नहीं करते हैं, तो वही आटा आप थोड़ा सा छिड़क दें सिंक में और हाथ से ही इस तरह से क्लीन कर लें। बहुत ही आसान है, कोई मेहनत नहीं है, कोई झंझट नहीं है, ना ही आपको डिटर्जेंट या फिर साबुन लगाने की ज़रूरत है और इस तरह से सिंक बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। जैसे हम पूरी पराठे खाए हैं तो प्लेट में भी ऑयल घी लगी रहती है, या फिर हमने पूरियाँ तली हैं तो जो कढ़ाई में तेल लगी रहती है वो सिंक में लग जाती है, तो आप उसे आटा से बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। मैं पास से आपको दिखाती हूँ कि सिंक कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। हमने कोई डिटर्जेंट या साबुन को यूज़ नहीं किया है, सिर्फ आटे से क्लीन की हूँ, तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, इससे आप अपने किचन सिंक को साफ कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थर्माकोल हम सभी के घरों में होती है, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ें खरीद के मंगाते हैं तो उसमें ये मिल जाती है, लेकिन हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। आज मैं थर्माकोल का बहुत ही बढ़िया यूज़ आपको बताने वाली हूँ। तो उसके लिए ले लेना है डबल टेप। डबल टेप आप कहीं पर भी लगा दीजिए, गेट के पीछे लगा दीजिए, या फिर टेबल है तो टेबल के नीचे आप लगा दे सकते हैं, या फिर दीवार में लगा दीजिए और लगा के थर्माकोल को इस तरह से चिपका देना है। आप 2-3 भी टुकड़े करके और चारों कोना पर आप लगा दीजिए और फिर इसको सेट कर दीजिए। तो मैं एक ही बड़ा सा डबल टेप कट की थी और कट करके इसको दीवार में सेट कर दी हूँ। और अब इसमें आप सेफ्टी पिन और सुई को रख सकते हैं। ये दो चीज़ जो होती है ना, हम लेडीज़ को हमेशा ही इसकी ज़रूरत पड़ जाती है और हम इधर उधर रख के भूल जाते हैं, तो इसके लिए ये बहुत ही बढ़िया तरीका है कि आप थर्माकोल को कहीं पर भी लगा दें और इसमें सेफ्टी पिन और सुई को रखें, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आपको तुरंत मिल जाए। और गेट के पीछे रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा कि किसी की नज़र भी नहीं जाएगी, बच्चे भी नहीं छुएंगे और ये आपको जब भी ज़रूरत पड़े मिल जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स और बाकी के टिप्स पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही यूजफुल टिप्स देखने को मिले। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।